रविवार को पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पुलिस अधीक्षक यातायात राम सेवक गौतम के नेतृत्व में यातायात पुलिस के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में यातायात निरीक्षक, यातायात उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल प्रमोटेड, हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल मौजूद रहे, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक यातायात राम सेवक गौतम द्वारा बताया गया कि दो दिन का एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गाड़ियों पर लगे प्रेशर हॉर्न, हूटर, मॉडिफाइड साइलेंसर व ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा और प्रेशर हॉर्न, हूटर और मॉडिफाइड साइलेंसर को भी गाड़ियों पर से उतरवाया जाएगा। इसके अलावा एसपी ट्रैफिक ने यातायात पुलिस के जवानों को बताया कि लोगों का चालान करते समय बड़े संयम से रहना है, सही भाषा बोलना है, आपका जनता के प्रति अच्छा व्यवहार होना चाहिए, आपकी वर्दी अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, टर्नआउट अच्छा होना चाहिए, आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, के अलावा आप अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार के स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, नियमित व्यायाम करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम दें, जिससे यातायात पुलिस की छवि जनता के बीच बेहतर बन सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने कहा, सो मोटो पीआईएल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य हुआ अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय का आदेश 29/7/2021 के पालन के संबंध में जो विस्तार चैंबर द्वारा अन्यथा यथा जो है अस्थाई ध्वनि संभव ध्वनि को कम करता है, जिसे अन्यथा इंजन से ध्वनि प्रदूषण के संबंध में और इसमें तीन बिंदुओं पर एक अभियान चलाया जा रहा है और इसकी रिपोर्ट जाएगी और ये तीन बिंदुओं पर आपको अभियान चलाना है। ध्वनि मापक यंत्र लगा करके उसके साइलेंसर की ध्वनि की कितनी तीव्रता है, कितने डेसिबल है, उस डेसिबल से अधिक यदि है तो उसका चालान क्या होगा, प्रेशर हार्ट नहीं। तो प्रेशर हार्ट, हूटर और साइलेंसर से जिसकी अधिक ध्वनि की तीव्रता है, ऐसे के विरुद्ध कार्रवाई से अधिक जो है उसकी तीव्रता देख लीजिएगा कि थ्री व्हीलर की तीव्रता कितनी है, टू व्हीलर की कितनी तीव्रता है, कार की कितनी तीव्रता है और बस की कितनी तीव्रता। चौराहे के 50 मीटर आगे पीछे वाहनों को खड़ा मत होने, सभी को माइक से बताते रहिए कि अपने वाहनों को पार्किंग में ही जमा करें, ट्रैफिक स्मूथली चलता रहे, जाम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, चाहे हमारा ट्रांसपोर्ट नगर हो, चाहे हमारा मंडलीगंज हो, चाहे हमारा शासन चौराहा हो या रेलवे चौराहा हो, ट्रैफिक तिराहा हो या धर्मशाला, जहां भी हरकत जितने भी हैं, कहीं भी जाम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जाम की स्थिति ना, ट्रैफिक सही तरीके से चलता रहे और हमारी प्रतिष्ठा, हमारा कार्य आचरण उत्कृष्ट, कार्य आचरण हमारा उत्कृष्ट, हमारा जनता के साथ संवाद अच्छा होना चाहिए, हमारी भाषा बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, हमारा आचरण दिखना भी चाहिए, अपने आप में हम अच्छे बने भी और दिखे, अच्छे बने भी और अच्छे दिखे, हमारी वेशभूषा सब कुछ उत्कृष्ट, कैसा हो उत्कृष्ट, ऐसा सभी लोग करेंगे, सब लोग सहमत है, आप ऊपर के लिए कितने लोग सहमत है, 4 घंटे रुक चुकी, ठीक है शायद के लिए, मगर जो ऑफर लगी हुई है वहाँ बड़ा दिक्कत, प्रॉब्लम यही है कि आने जाने में कोई दिक्कत होती है, छुट्टी उठने की तो कोई समस्या नहीं किसी को, छुट्टी तो सभी को मिल ही रही है, ड्यूटियाँ हैं जो ट्रैफिक के कार्य हैं उनको अच्छे तरीके से संपादित करने के संबंध में आप सभी को अवगत कराने के संबंध में, चौराहे में हमारा ट्रैफिक का जो जवान है ड्यूटी को संपादित करता है, वहाँ पर परिवार के जवान एक किनारे जाकर के बैठे, उस आवर्स में आपको अपनी ड्यूटी संपादित करना है, उसमें बैठना नहीं है, राजेश को टाटा स्काई करनी है, टाटा स्काई जो अन्य सदस्य हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो भी ड्यूटी में
रहेंगे और अच्छे तरीके से ड्यूटी संपादित करेंगे। आपकी ड्यूटी है अपनी लीडर पुलिस में लगाए जाते हैं। नेता आचरण बहुत उत्कृष्ट हो, कार्य अच्छा हो, उत्कृष्ट हो, जिसका अनुकूल बहुत अच्छा हो, विरोध बहुत अच्छा हो, तनाव बहुत अच्छा हो, ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर। तो इस तरह की कोई शिकायत को प्राप्त ना हो, कहीं किसी तिराहे पे चौराहे पे जाम की समस्या नहीं होनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के संबंध में एक जो है हूटर साइलेंसर जिनकी तीव्रता जो है निर्धारित मानक से अधिक है, उनके विरुद्ध कल भी अभियान चलाया गया था और आज सभी ट्रैफिक के जो पुलिसकर्मी हैं अधिकारीगण हैं उनको गोष्ठी करके अवगत करा दिया गया है कि ये जो है ध्वनि प्रदूषण के संबंध में अभियान अभी चलेगा और कोई भी इस तरह की ध्वनि की तीव्रता जो निर्धारित मानक है, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, या टेम्पो हो, या बस हो, ट्रक हो, उसी का जो है निर्धारित मानक में ही चलेंगे। एक निर्धारित मानक से अधिक उसकी ध्वनि की तीव्रता है, डेसिबल अधिक है, तो चालान की भी कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त जो अपने वाहनों में बहुत जो है लगा लेते हैं भोंपू, उसको भी उतरवाने की कार्रवाई होगी और उनके विरुद्ध भी EMB एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये अनवरत प्रक्रिया है, जहाँ जहाँ भी इस तरह के दिखें ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहन और जो निर्धारित मानक जो क्षमता है उससे अधिक दिखाई पड़ते हैं, इस संबंध में भी जानकारी भी प्राप्त होती है, तो उस क्षेत्र विशेष में अभियान चला करके उसमें कार्रवाई की जाएगी।